ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन आपको बताया गया था कि बॉटम लग चुका है, अब मार्केट का जो सफर है वो तेजी की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा दिन मार्केट आपकी तेज रही है और पॉजिटिव क्लोज रही है। 316 पॉइंट का हाई लिया मार्केट ने और 208 पॉइंट प्लस के साथ 41793 के करीब क्लोज रही है। 41902 का एक टाइम में हाई लिया था मार्केट ने। वॉल्यूम्स 272 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से भी बेहतर वॉल्यूम्स हुए। कल 229 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर में फौजी फूड, टेरिका, WTL, TPL प्रॉपर्टीज रहे, जबकि टॉप गेनर्स में रिफाइन में बाटा, पाक टूबेको, ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, जबकि ISIL ये टॉप गेनर्स रहे। अगर हम तकरीबन कंपनीज देखें तो तमाम कंपनीज पॉजिटिव रही हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक आज टॉप पे रहे 62 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी 37, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इनमें हमने इजाफा देखा। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस कंपनीज डिक्लाइन होते हुए नजर आए 26 पॉइंट के साथ। इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, स्लाइटली हमने पॉइंट्स पर गिरावट देखी। अगर कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो सिस्टम, ईफर्ट, HMB, पाक टूबेको, MCB, बेंगल फ्ला टॉप पे रहे, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड, यूनिलीवर पाकिस्तान, एंग्रो कॉर्पोरेशन, PPL, चिराड सीमेंट, ये आपके डिक्लाइन साइड पर रहे। आज अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो डॉलर जो है आपका आज यानी कि थोड़ा सा गिरावट रही और पाक रुपीज में 0.54% की अप्रिसिएशन रही, जबकि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की तरफ से बताया गया कि सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है कि इंक्रीज जो प्रोडक्शन में इजाफा किया जाएगा, तो ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के लिए एक अच्छी गुड न्यूज थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिजर्व में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तीसरी बार इजाफा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो हालिया जो फंड रिसीव हुए और इसके अलावा जो रेमिटेंस में इजाफा हुआ, इसकी वजह से मुसलसल हमारे रेमिटेंस में इजाफा हुआ, वर्क रेमिटेंस में भी इजाफा हुआ है और इस बार इनफ्लो हुआ 2.2 बिलियन का, यानी कि इजाफा नजर आए, इनफ्लोज नजर आए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से साफ साफ बताया गया कि IMF फंडिंग की राह खोलने के लिए पाकिस्तान को ही मुश्किल फैसले करने होंगे और पाकिस्तान को ही इसके बारे में डिसीजन लेना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कल अपना लेवल सस्टेन नहीं कर सका और हमने गिरावट देखी, 75 के पास ट्रेड कर रहा है, इस वक्त 74.95 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का जो मेजर सपोर्ट लेवल है 73 का लेवल है, अगर ब्रेक कर जाता है तो हम डिक्लाइन देखेंगे, अदरवाइज 76 से लेकर 78 की तरफ मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में आपकी गिरावट हुई, कल गिरावट की बात की गई थी और बताया गया था कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा, गोल्ड में भी इजाफा हुआ, तकरीबन 1840 के पास चला, $5 का इजाफा हुआ, जबकि सिल्वर में भी तकरीबन देखा जाए तो इस वक्त 2 सेंट का इजाफा 20.19 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर मजीद आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है, जिसमें करेंसी में भी इजाफा हो सकता है, बाकी आपके डॉलर इंडेक्स प्रेशर में रह सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 42,133 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 41,550 हमारा सपोर्ट लेवल है। इस वक्त मार्केट, चूंकि कल मार्केट आपकी स्लाइटली ओवरबोट थी और हमने कहा था कि बहुत ज्यादा ओवरबोट नहीं है, इसलिए मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी मजीद बेहतर हो सकती है और ओवरबोट की साइड पे जाकर क्लोज हो सकती है, तो 284 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे मार्केट क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो साल के हिसाब से जो मार्केट आपकी 4,000-2,500 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब रहते रहते 1200 पॉइंट ओवरसोल्ड रह चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, चूंकि मार्केट ने आज एक लेवल ब्रेक किया 41,850 का लेवल और फिर मार्केट में हमने देखा कि मार्केट आपकी यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करती थी, क्लोजिंग भी काफी बेहतर रही है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो लेवल होगा इंडेक्स का 41,900 का लेवल होगा मंडे वाले दिन, जैसे ही लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 42,100 से लेके 300 का टारगेट है। जबकि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग वे के हिसाब से देखें मार्केट को, तो मार्केट मुसलसल आपकी पॉजिटिव इसलिए परफॉर्म कर रही है कि मार्केट अपना एक बॉटम रख चुकी है, जैसे कि लास्ट में हमने आपको बताया था कि 41,300 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में तेजी करें। अब भी आपका स्टॉप लॉस 41,300 होगा, छोटी मोटी जो डिप आती है 100-150 पॉइंट की, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 42,100 से लेके
12,500 का टारगेट है, मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी। अगर हम वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट की जो क्लोजिंग रही है काफी पॉजिटिव और अच्छी क्लोजिंग रही है, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट ने तकरीबन 629 पॉइंट का गेन किया था, इस वीक में मार्केट ने 450 पॉइंट का गेन किया था। वीकली बेसिस पे जो हमारा टारगेट है वो 42,000 से लेकर 43,000 का टारगेट है, और इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर भी हम मार्केट को बेहतर देखेंगे। मार्केट में जो शॉर्ट डिप अगर आती है, एडजस्टमेंट आती है, तो 41,300 आपने मेन स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो आज जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने उनका थोड़ा सा मूड बदलते हुए नजर आया, जिसकी हमने निशानदेही अगर जिसके बारे में हम आपको पिछली दो वीलॉग्स में बताते रहे कि सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर और स्वैपिंग के ऊपर आपने खास नजर रखनी है। क्यों? कि मार्केट में जब आपके बड़े ग्रुप्स चल रहे हैं, जैसे कि मिसाल है मुसलसल सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा था, तो स्पेशल ग्रुप में हमने कॉल दी कि आज के दिन सीमेंट सेक्टर में आप प्रॉफिट टेकिंग करें, सीमेंट सेक्टर गिर जाएगा, जिसके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। सेकंड नंबर पे हमने बताया कि सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर खास तवज्जो दें, जिसमें आज हमने देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर ने थोड़ा वर्क किया, फिर इसके अलावा थोड़ा रिफाइनरी चला, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो छोटे सेकंड टियर स्टॉक्स चलते हुए नजर आए, जिसमें फौजी फूड की स्पेशल कॉल दी गई, इसके अलावा WGL, TPL प्रॉपर्टीज, ट्वीट कॉर्पोरेशन, शब्बीर टायर्स और बहुत छोटे छोटे स्क्रीन जो जमा हो रहे थे काफी दिनों से, आज उनके अंदर हमें शिफ्टिंग नजर आए। आज प्लेयर्स जो मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स एक्टिव थे, बिग प्लेयर्स, उनके हमने देखा कि आज छोटे जो स्क्रिप्ट थे उनके अंदर मोमेंटम बनाते हुए नजर आए। तो आपने खास ख्याल रखना होगा, स्पेशल ग्रुप में इन्हीं स्टॉक्स को हाईलाइट किया जा रहा होता है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर में आज सेल कॉल हाईलाइट की, और इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, मुख्तलिफ बताया, इस तरह हम छोटे स्क्रिप्ट के बारे में बता रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में एड करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक्स की पहले से बढ़ने के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।